नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही YouTube चैनल पर जिसका नाम है फिनट्यूबर। फिनट्यूबर एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस और स्टॉक मार्केट के रिलेटेड डेली अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो मेक श्योर करें कि आप इस चैनल को तुरंत प्रभाव से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, फर्दर डिले ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सही देखा आपने थंबनेल में, हम आज जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उसने ना सिर्फ निफ्टी और सेंसेक्स को बीट किया एक साल के अंदर में, बल्कि पूरे अपने पूरे सेक्टर को उसने आउटपरफॉर्म किया हुआ। जी हाँ, पूरे सेक्टर से भी उसने अच्छा परफॉर्मेंस किया हुआ है। तो इसी कंपनी के बारे में हम आज बात करेंगे। अगर एक पिछले एक साल के अंदर में अगर सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो उसने 56.58% का रिटर्न दिया, काफी अच्छा फॉल हो गया था मार्च के अंदर में लास्ट ईयर। तो उसके बाद में फिर उसी अच्छे तरीके से, उतने ही अच्छे तरीके से मार्केट ने रिकवर भी किया और सेंसेक्स ने 56.58% का रिटर्न दिया। और इस पर्टिकुलर सेक्टर ने, जिस कंपनी, जिस सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है, उस सेक्टर ने 70.86% का इसने रिटर्न दिया हुआ। यानी कि इस लिहाज से अगर देखा जाए, एक सेक्टर, एक इंडेक्स अगर हमको साल में 10-15% भी रिटर्न देता है तो उसको काफी अच्छा माना जाता है। 15-20% रिटर्न दे रहा है तो काफी अच्छा है। और अगर इसको देखा जाए तो 70.86% ये आउटस्टैंडिंग है एक तरीके से, इतना अच्छा इस सेक्टर ने रिटर्न दिया हुआ है। अगर कंपनी की बात करें तो इसने इन दोनों सेक्टर्स को बीट करके, दोनों इंडेक्स को बीट करके 96.38% का रिटर्न दिया हुआ है। जी हाँ, 96.38% का इसने रिटर्न दिया हुआ है एक साल के अंदर इस पर्टिकुलर कंपनी ने। हम आज इसी को एनालाइज करेंगे। अगर इस कंपनी के एक दिन के रिटर्न की बात करें तो थोड़ा सा डाउन हुआ था फ्राइडे के दिन में स्टॉक। एक हफ्ते की अगर बात करें, वन वीक में इसने 3.42% का रिटर्न दिया है, वन मंथ में इसने 13.20% का रिटर्न दिया है, तीन मंथ में इसने 14.50% का रिटर्न दिया है, सिक्स मंथ में इसने 19.82% का रिटर्न दिया, ईयर टिल डेट पे इसने 15.20% का रिटर्न दिया। यानी कि 1 जनवरी से अब तक जो है इसने 15.20% का रिटर्न दिया। कंसिस्टेंटली कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, टाइम टू टाइम बेसिस पे इसने रिटर्न जो है ये बढ़ा के ही दिए। और अगर वन ईयर की बात करें तो 96.38% का इस कंपनी ने रिटर्न दिया हुआ है, दो साल की बात करें तो 132.37% का इस कंपनी ने रिटर्न दिया हुआ है, तीन साल में इसने थोड़ा सा रिटर्न एवरेज दिया, 61.17% का रिटर्न दिया हुआ है, क्योंकि बीच में बियर मार्केट भी आ गई थी और इंडस्ट्री जो सेक्टर था वो भी परफॉर्म नहीं कर रहा था, तो उसकी वजह से इस कंपनी ने भी परफॉर्म नहीं किया, तो 61.17% ये बुरा नहीं है बट ठीक है, बट उतना अच्छा नहीं है जितना एक्सपेक्ट इस कंपनी से हम करते हैं। चार साल में इस कंपनी के रिटर्न की अगर बात करें तो 153.29% का इसने रिटर्न दिया हुआ है, पांच साल में ये कंपनी 469.11% रिटर्न दिया, यानी कि मान लो कि पांच साल के अंदर में 5 गुना ये कंपनी हो गई है। और 10 साल की अगर बात करें तो 10 साल में इस कंपनी ने 2514% का रिटर्न दिया हुआ है। कितना? 2514% का रिटर्न इस कंपनी ने 10 साल में दिया हुआ है, यानी कि 25 गुना ये कंपनी 10 साल में होगी। यानी कि अगर इस कंपनी में आप 10 साल पहले 1,00,000 रुपए अगर इन्वेस्ट किए होते तो आज की डेट में जो पैसा है 25 लाख हो गया होता। तो इस तरीके की इस कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस रही है। अब इस कंपनी के 52 वीक हाई की बात करें तो 1965 रुपए इसका 52 वीक हाई है और 52 वीक लो इसका 915 रुपए है। आज के अगर फ्राइडे के दिन की अगर हाई की बात करें तो 1940 रुपीज इसका फ्राइडे का हाई है और फ्राइडे का लो इसका 1880 रुपीज है। 3.5 स्टार का इसको ओनरशिप के लिए मिले हुए हैं, वैल्यूएशन के लिए इसको 3 स्टार मिले हैं, एफिशिएंसी के लिए इसको काफी अच्छा परफॉर्मेंस इसने एफिशिएंसी के मामले में किया हुआ है, तो 4.5 इसको स्टार मिले हुए हैं एफिशिएंसी के लिए, फाइनेंशियल के लिए इसको 3.5 स्टार मिले हुए हैं। मार्केट कैप की अगर इसके बात करें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका 36,612 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। एंटरप्राइज वैल्यू की अगर बात करें तो मार्केट कैप प्लस डेट माइनस कैश जो रिजर्व होता है उसको कैलकुलेट करके एंटरप्राइज वैल्यू निकलता है, तो एंटरप्राइज वैल्यू इसका 37,474 करोड़ रुपए है। नंबर ऑफ शेयर्स इसके 19.33 करोड़ ट्रेड हो रहे हैं मार्केट में। पीई की अगर बात करें तो 34 के पीई मल्टीपल पर ये कंपनी मिल रही है। अगर सेक्टर के पीई की अगर बात करें तो सेक्टर का पीई भी लगभग सेम ही है, किसी का कम है, जैसे 34 है, फिर कम है, फिर ज्यादा है, फिर कम है, फिर ज्यादा है, फिर कम है, तो
तो अगर एक तरीके से देखा जाए तो अच्छी कंपनी है तो अच्छी कंपनी के हिसाब से पी जो है 34 के पी पे मिल रही है तो कोई बुरा नहीं है, ग्रोथ काफी अच्छा है, आने वाले टाइम में भी काफी ग्रो करेगी कंपनी, क्योंकि ये ऐसा ही सेक्टर है। हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे इस बारे में। प्राइस टू बुक की अगर बात करें तो 6.38 का प्राइस टू बुक है, फेस वैल्यू इसकी 2 है, डिविडेंड यील्ड इसकी 1.06% है, बुक वैल्यू इसकी 296.93 बुक वैल्यू है, कैश इसके पास में 69 करोड़ रुपीज कैश इसके पास में रिजर्व पड़ा हुआ है, डेट की अगर बात करें तो 920 करोड़ इसका डेट है, प्रमोटर होल्डिंग 58.3% का प्रमोटर होल्डिंग है, अर्निंग पर शेयर इसका 54.95 है, रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर बात करें तो 19.86% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, काफी अच्छा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसका 20.07% है, प्रॉफिट ग्रोथ इसका 19.95% है, सेल्स ग्रोथ इसका थोड़ा सा नेगेटिव में है, सेल्स ग्रोथ इस वजह से नेगेटिव में है क्योंकि कोरोना की वजह से काफी सेल्स वगैरह कम हुई है, तो इस वजह से शायद ये नेगेटिव में हो, या फिर कंसिस्टेंट इस ईयर इस कंपनी ने परफॉर्म नहीं किया है, शायद इस वजह से नेगेटिव में हो, तो इसको हम पूरी तरीके से एनालाइज करेंगे जो हमारा सेगमेंट रिजल्ट वाला आएगा आगे। आप वीडियो में बने रहिए, हम इस चीज के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। इंट्रिंजिक वैल्यू की अगर बात करें तो कंपनी जो है अच्छी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो ऐसी कंपनियां इंट्रिंजिक वैल्यू के नीचे मिल जाएंगे, होता नहीं है जनरली, तो इंट्रिंजिक वैल्यू से ऊपर ही आपको ये मिल रही है। रिटर्न वर्सेस एफडी रेट की अगर बात करें तो कहां एफडी रेट, 10 साल में अगर आप एफडी में पैसा लगाएं तो डबल भी नहीं होता, लेकिन अभी यहाँ पर आपको जो 25 गुना रिटर्न दिया तो एफडी रेट से तो काफी अच्छा रिटर्न इस कंपनी का है। डिविडेंड रिटर्न की अगर बात करें तो डिविडेंड वगैरह ज्यादा देती नहीं है कंपनी। एंट्री पॉइंट अगर देखा जाए तो एंट्री पॉइंट काफी अच्छा है, अभी आप एंट्री ले सकते हैं इसमें। नो रेड फ्लैग का मतलब है कि कोई रेड फ्लैग वगैरह नहीं है, कोई भी कंपनी के अंदर में कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। इन्वेस्ट टेक्निकल्स की अगर हम बात करें तो चार्ट प्राइस का कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में चल रहा है। अगर रीसेंट चार्ट की अगर बात करें तो डेली चार्ट पे इसने राउंडिंग बॉटम का पैटर्न दिया हुआ है और अभी देखें तो ये कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। कप एंड हैंडल टाइप का फॉर्म पैटर्न करने की पैटर्न जो है ये फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। इसको लेके हम क्या सोच सकते हैं, क्या कंसीडर कर सकते हैं इस चीज को लेके हम, कि हम यहाँ पे ये जो शेयर है ये मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे आएगा ये शेयर, और यहाँ पे ही हम इसको बाई करेंगे और उसके बाद में ट्रेड लेंगे इसको। और जिस हिसाब से इसका रिजल्ट है, फ्राइडे को रिजल्ट इसका आया हुआ है तो सैटरडे संडे मार्केट क्लोज है, कल मंडे है, मंडे को मार्केट ओपन होएगा, तो मार्केट ओपन होने के बाद में जरूरी नहीं कि ये रिट्रेस होगा क्योंकि रिजल्ट काफी अच्छा है, तो ये हो सकता है कि इधर से यही सीधा ऊपर की तरफ चला जाए। ऊपर की तरफ जाएगा तो हम अगर ये ऐसे ऊपर टिका रहा तो उसके बाद में हम इसको बाई करने की कोशिश करेंगे ट्रेड लेने के लिए, ट्रेडर्स के लिए ये सलाह मैं दे रहा हूँ। और अगर इन्वेस्टर हैं तो आप यहाँ पे थोड़ा सा बाई कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा नीचे मार्केट किसी मोड माहौल की वजह से अगर नीचे आता है तो यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा यहाँ बाई कर सकते हैं, फिर थोड़ा नीचे आता है तो इस एरिया में आप इसको बाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से इन्वेस्टर को ज्यादातर ये ध्यान रखना चाहिए कि पोर्टफोलियो उनका ओवर डाइवर्सिफाइड ना हो और ना ही अंडर डाइवर्सिफाइड हो, यानी कि कहने का मतलब है कि 15 से 16 कंपनीज में उनका इन्वेस्टमेंट रहना चाहिए एक टाइम पे। मान लो कोई एक कंपनी गंदा परफॉर्म कर रही है, दूसरी कंपनी गंदा परफॉर्म कर रही है, लेकिन तीसरी कंपनी आपका अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो ये दोनों का जो लॉस है ये तीसरी कंपनी से रिकवर हो जाएगा, तो इसलिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है और ओवर डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा जरूरी नहीं है। आपका पोर्टफोलियो शुड भी ऐसा होना चाहिए कि जो नॉर्मल इंडेक्स है या फिर नॉर्मल स्टॉक है उससे अच्छा आपको रिटर्न मिल रहा हो। अब हम सीधा इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट के ऊपर आ जाते हैं। दिसंबर क्वार्टर में इसने 1509 करोड़ का इसने सेल किया था, मार्च के क्वार्टर में इसने 1753 करोड़ का सेल किया हुआ है। ग्रोथ की अगर बात करें तो 16.18% का इसमें ग्रोथ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका जो है 479 करोड़ रुपए इसका लास्ट दिसंबर क्वार्टर में था और 550 करोड़ बढ़ के 550 करोड़ हो गया है मार्च के क्वार्टर में, तो ग्रोथ की अगर बात करें तो 14.78% का इसमें ग्रोथ है। इंटरेस्ट थोड़ा सा कंपनी ने ज्यादा पे किया हुआ है कंपेरेटिवली लास्ट क्वार्टर, 2.06 करोड़ इसने दिसंबर क्वार्टर में इंटरेस्ट पे किया था, इस क्वार्टर में 2.79 करोड़ इसने इंटरेस्ट पे किया हुआ है। अगर डिक्लाइन की बात करें तो 35.44% का इसमें डिक्लाइन है। एक्सेप्शनल आइटम वगैरह कुछ भी नहीं है,
कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो 325.07 करोड़ इसका जो था नेट प्रॉफिट था लास्ट क्वार्टर में, इस क्वार्टर में 379.95 करोड़ इसका नेट प्रॉफिट है, जो कि बढ़ के 16.88% का इसमें ग्रोथ है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 31.78% था, ये थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, इसमें इंटरेस्ट वगैरह ज्यादा पे किया है या फिर कभी कभी कंपनीज के खर्चे भी ज्यादा हो जाते हैं तो उस वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इम्पैक्ट आ जाता है सेल ज्यादा होने के बावजूद भी। तो 31.78% से 31.39% यानी कि ये ऑलमोस्ट न्यूट्रल के बराबर है, तो इसको हम ज्यादा नेगेटिव नहीं लेंगे, इसमें ऑलमोस्ट थोड़ा सा इसमें जो है फर्क है। अब ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो रिजल्ट है उसकी हम बात करेंगे तो पिछले साल इसका जो सेल था 48.41 करोड़ था, जो कि बढ़ के अभी 5,783 करोड़ रुपए हुआ है सेल्स इसका, 20% का इसका ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो लास्ट ईयर इसका 1,271 करोड़ इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो कि बढ़ के अभी 1,810 करोड़ रुपए हुआ है, यानी कि इसमें 42.41% का अच्छा खासा ग्रोथ है। इंटरेस्ट के मामले में ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की तरह ही ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी इसको थोड़ा सा इंटरेस्ट इसने ज्यादा पे किया हुआ है, लास्ट ईयर के मुकाबले 8.90 के मुकाबले इसने 11.38 करोड़ का इंटरेस्ट इसने पे किया हुआ है, 27.87% का इसमें डिक्लाइन है, और एक्सेप्शनल आइटम वगैरह कुछ भी नहीं है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट वगैरह अगर आप बात करें तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट इसका 959 करोड़ था लास्ट ईयर में, जो बढ़ के अभी 1,177 करोड़ हुआ है, जिसमें 22.70% का ग्रोथ है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 26.42% से बढ़ के 31.31% इसमें प्रॉफिट मार्जिन इसके बढ़े हैं, जो कि काफी अच्छा है, काफी अच्छे इसके मार्जिन इसने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंप्रूव किए हैं, जिसमें 4.89% का ग्रोथ है। यानी कि मान लो कि 100 रुपए की चीज अगर आपको बेचनी है तो लास्ट ईयर आपको 26 रुपए उसमें मुनाफा मिल रहा था, लेकिन आज के टाइम में 4 रुपए मुनाफा जो है, 5 रुपए मुनाफा जो है इस साल के अंदर में इनने बढ़ा दिया, जो कि काफी पॉजिटिव साइन माना जाता है। मान लो कि अगर 100 रुपए की चीज पहले 126 में बिकती थी तो अभी वो 131 रुपए में बेच रहे हैं, एज सिंपल एज दैट। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो मेजोरिटी शेयर होल्डर प्रमोटर है, 58.3% का प्रमोटर होल्डिंग है, और प्लेज वगैरह प्रमोटर होल्डिंग का कुछ भी नहीं है, नन है, ये काफी पॉजिटिव साइन माना जाएगा, क्योंकि प्लेज वगैरह मतलब क्या होता है कि प्रमोटर कोई शेयर गिरवी करके कुछ लोन ले ले तो उसको प्लेज बोला जाता है, तो प्लेज वगैरह कुछ भी नहीं है प्लेजिंग वगैरह। म्यूचुअल फंड वगैरह की अगर बात करें तो म्यूचुअल फंड की 29 स्कीम है जिनके अंदर में ये पर्टिकुलर शेयर एग्जिस्ट करता है, जो कि 14.59% म्यूचुअल फंड्स का स्टेक है इसके अंदर में। और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की अगर बात करें तो 414 एफआईआईज हैं जिन्होंने इसके अंदर में इन्वेस्ट किया हुआ है, जिनके पास में कंपनी का स्टेक है, 14.4% का ये स्टेक है। प्रमोटर विद हाईएस्ट होल्डिंग की अगर बात करें तो राजीव ए पोर्डर हैं, 27.7% इसमें प्रमोटर की जो फैमिली का सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग है राजीव ए पोर्डर के पास में, ये कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और अगर हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की अगर बात करें तो पब्लिक शेयर होल्डर हाईएस्ट इसमें जो इन्वेस्ट कर रखा है जिन्होंने, वो है HDFC रिटायरमेंट सेविंग फंड हाइब्रिड इक्विटी प्लान, उन्होंने 4.17% का इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, 4.17% स्टेक जो कंपनी का है HDFC, जो इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसके पास में है। तो ये भी एक पॉजिटिव चीज है कि इतनी बड़ी कंपनी अगर इस कंपनी के अंदर में इन्वेस्ट कर रही है तो ये काफी पॉजिटिव साइन है कंपनी के फ्यूचर के लिए। तो हम बात कर रहे हैं बालकृष्णा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। जी हाँ, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसे BKT टायर के नाम से भी जाना जाता है, इसका प्रोडक्ट जो है, ब्रांड जो है BKT टायर का है, ये बेसिकली मार्केट लीडर है जो ट्रैक्टर वगैरह होते हैं या फिर JCB मशीन्स होते हैं या फिर इंडस्ट्रियल जो टायर्स वगैरह होते हैं, ट्रक्स वगैरह के टायर होते हैं उसमें। पर ये डील करती है एग्रीकल्चर टायर में, इंडस्ट्रियल टायर में, OTR में। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जैसे मान लो आपको इन चीजों के बारे में इन्वेस्ट करते टाइम क्या ध्यान रखना चाहिए, जैसे किसी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उस टाइम पर आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहले
आप ये देखेंगे, ये एक ऑटो एंसिलरीज कंपनी है, टायर वगैरह मैन्युफैक्चर करती है, ऑटो कंपोनेंट वगैरह ये बनाती है, ऑटो में यूज होने वाला जो कंपोनेंट है वो ये बनाती है। अब हर मोटर व्हीकल कंपनी, जितनी भी कंपनी है, जैसे टाटा मोटर्स हो गया, या फिर M&M हो गया, या फिर आपका TVS मोटर्स हो गया, हीरो मोटो कॉर्प हो गया, बजाज ऑटो हो गया, इन सबके मंथ ऑन मंथ बेसिस पे सेल्स के नंबर आते हैं कि कितना सेल किया था इस पर्टिकुलर कंपनी ने ऑटो में। तो आपको क्या ध्यान रखना है, BKT कंपनी किस कंपनी के लिए काम करेगी, जो ट्रैक्टर बनाएगा या फिर JCB मशीन बनाएगा। इंडिया के अंदर में लिस्टेड दो कंपनी है मेजरली जो ये काम करती हैं, एक तो M&M कंपनी है और दूसरी एस्कॉर्ट्स कंपनी है। इन दो कंपनियों के जो सेल्स के नंबर हैं मंथ ऑन मंथ बेसिस पर अच्छे आ रहे हैं, तो हम क्या देखेंगे कि इनको सप्लाई देने वाली कंपनीज कौन है। तो ज्यादातर जो मेजर जो इंस्टीट्यूशन हैं या जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, फॉर FIIs एंड DIIs हैं, वो यही काम करते हैं। अब आप बोलेंगे जनरली उनको अंदर के बारे में पता रहता है, हम इस चीज के बारे में बात नहीं करेंगे, पता रहता है नहीं पता रहता है, हमें नहीं पता उस चीज के बारे में, बताया जाता है ये किस तरीके से एनालाइज करते हैं। कि मान लो अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी के नंबर अच्छे आ रहे हैं मंथ ऑन मंथ बेसिस पर, जो उनकी सेल है वो अच्छी हो रही है, तो ये लोग ध्यान देते हैं कि इनको सप्लाई देने वाली कंपनी कौन सी है। क्योंकि अगर उनमें डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करते, उनमें डायरेक्टली इन्वेस्ट क्यों नहीं करते, क्योंकि उनका रिजल्ट आ गया, पब्लिकली अनाउंस हो गया, तो रिटेल इन्वेस्टर जो है उसमें कूद गया, रिटेल इन्वेस्टर के उस कंपनी में जाने के बाद में जो है उस शेयर का भाव ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा और वो ओवर वैल्यूड हो जाएगा एक तरीके से। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेने के लिए उनको इन पर्टिकुलर जो, जैसे मान लो M&M के नंबर आए, M&M के नंबर आने के बाद में अच्छा नंबर आया M&M का, ठीक है, M&M ने सेल अच्छी दी जनवरी के महीने में, अच्छी सेल हुई M&M की। अब वो ध्यान देंगे कि M&M को सप्लाई देने वाली कंपनी कौन है, BKT टायर है, BKT टायर M&M को टायर सप्लाई करती है। सपोज दैट एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ कि BKT टायर में उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, तो अभी उनको उन्होंने टाइम से पहले इन्वेस्ट कर दिया उसमें एक तरीके से। अब इसके नंबर तो अच्छे आने ही है, क्योंकि उनको पता है कि इसके नंबर अच्छे आएंगे, इसके अच्छे आए तो इसके नंबर भी अच्छे आएंगे। तो इस तरीके से इसको एनालाइज किया जाता है कंपनी को। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट कीजिए कोई अगर आपकी क्वेरीज वगैरह है या फिर कोई सलाह है या सुझाव है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम डेफिनेटली हर कमेंट का पर्सनली जवाब देंगे।